हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है हमारी सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। पहला चैप्टर हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, आपका सौरमंडल को हम लोग आपका देख चुके हैं, जिसमें हमने चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, अर्थ को देखा, क्षुद्र ग्रह को देखा, क्लियर है, और बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंडों के विषय में पढ़ा। आकाश गंगाएं क्या होती हैं हमने उनके विषय में पढ़ा, और यूनिवर्स कैसे आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहे हैं और नया चैप्टर है हमारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, आप सिक्स सेवन्थ मतलब आप कोई भी क्लास पढ़ लीजिए, किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाइए, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप कॉम्पिटिशन में जाइए, ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और जितना आप यहाँ पढ़ोगे सेम वही लेवल आपको कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर का कितना बड़ा आपका रोल है, इम्पोर्टेंस है। तो आप इस चैप्टर को उसी तरह से सोचिए और उसी तरह से इसको पढ़िए। सबसे पहले आप एक ये है हमारा अर्थ, सबसे पहले बनाए ग्लोब, और इस ग्लोब को बड़े ध्यान से देखिए, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज इसमें दिखाई देगी। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? चलिए, देख लिया। तो ये है हमारा ग्लोब, और ग्लोब को हम क्या मानते हैं कि ग्लोब आपका पृथ्वी का प्रतिरूप जैसा ही है। यानी कि अगर हमको अर्थ को समझना है तो हम ग्लोब को देखकर ही हम लोग क्या करते हैं, हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर है ग्लोब, और ग्लोब में हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश एवं आपका देशांतर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर तो खींची है, और अगर आप पूछो तो ये क्या है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी कि पृथ्वी पर वास्तविक रूप में कहीं नहीं खींची हैं, लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए और स्टडी करने के लिए हम लोग इनको आपका खींचते हैं, ताकि हम लोग किसी जगह का क्षेत्र का बहुत अच्छे से क्या कर सकें, उसका हम लोग आपका अध्ययन अध्ययन कर सकें। अब देखिए, ये दो मैप देख लीजिए आप, आपके सामने है, बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये हमारा ग्लोब बना हुआ है, और इस ग्लोब में इस तरह से लाइन खींची हुई है, ये देख रहे हो, ये लाइन खींची हुई है, ठीक। और एक ये है, और इसमें कुछ इस तरह से लाइन खींची हुई है। क्लियर हुआ? ये सारी एक जगह पर मीट होती है इस बिंदु पर, और यहां से ही वापस खींची जाती है। देख लिया आप लोगों ने? तो ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये अक्षांश है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अक्षांश। और दूसरे वाले क्या होंगे आपका? देशांतर है। वो क्या है? देशांतर है। ये क्या है? अक्षांश है। और ये क्या है? देशांतर। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ठीक। यानी कि ग्लोब पर जो रेखाएं आपका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वो रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची जाती हैं, हम उनको क्या कहते हैं आपका? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये दो चीज आपके मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। चलिए, अब आपने ये दोनों चीज आपका देख ली, तो अब आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और समझने में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, कौन बच्चा माइक लेकर आपका अपने चैप्टर को पढ़ेगा, जिस क्रम में हम लोग चीजें शुरू करते आ रहे हैं? जीएसी रीठा खाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, अरे वाह, चलिए बेटा पढ़ना शुरू करो, आप
धीरे धीरे पढ़ना है ताकि मेरे को भी समझ आए। यस सर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्रहों को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब एक काम करिए, आपको दूसरा बच्चा ले लीजिए। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये विषुवत वर्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर है आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य। बस ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही कंटिन्यू रखेंगे। चलिए बैठ जाइए बेटे, थोड़ा समझने का प्रयास कर। देखिए, हमने पिछले अध्याय में क्या देख लिया था कि हमने साफ कर लिया कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल नहीं है बल्कि कैसी है, उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है इन पर थोड़ी आपका चपटी है और मध्य में से थोड़ी कैसी है, उभरी हुई है। चपटी का मतलब है इस तरह के शेप की है। क्लियर है? कैसा है? इस तरह का शेप। उभरी हुई कैसी है? देखिए, ये हुआ प्लेन और अगर मैं इस तरह से उभार दूं, ये क्या हुआ? उभार हुआ। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? इस तरह से उभरी हुई है और इस तरह से ऊपर से चपाट है। क्लियर है? तो और अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से ध्रुव पर, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपका है। थोड़ा सा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को समझते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ आना जरूरी है और तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। चलिए, एक हमने यहां लाइन खींच दी, बीचों बीच खींची है कि नहीं खींची है? नहीं, थोड़ी सी ऊपर चली गई, इसको बीचों बीच खींच। ये देखिए,
ये है 0 डिग्री, ऐसे मानिए। ठीक है, तो जब हम ग्लोब पर या काल्पनिक रूप में पृथ्वी पर एक 0 डिग्री लाइन खींचते हैं तो हमें दो गोलार्ध मिलते हैं, ठीक, दो ध्रुव मिलते हैं। ये जो आपका पूरा पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव, और ये जो है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा इतना? चलिए बनाइए, एक फटाफट से अपने बुक में बनाइए। कौन बच्चा बनाकर दिखाएगा? कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक राउंड लगाना है, बीच में लाइन खींचनी है, इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिण ध्रुव आपको लिख देना है। लिखिए, फटाफट बनाइए, ताकि आपको पता रहे, कोई आपसे पूछ ले कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव कहाँ पर है, कैसे है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10th 12th में पहुंच रहे होंगे और ये चीजें आपकी नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। और इस स्क्वायर में एक बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको 0 लिखिए, इसको 0, और इस वाले को लिख दीजिए, ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव, और ये वाला जो क्षेत्र होगा पूरा, इसको बोल दो आप दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? इस तरह से बनाइए ताकि आपको पता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपको साफ हो गया, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती होगी? इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में ग्लोब को देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। ग्लोब देखा है स्कूल में, किस तरह से होता है? अरे वाह, फिर तो बड़े आसान है, हाथ नीचे कर लीजिए। घूमता भी होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, फिर तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ आने वाला है। अगर आपने ग्लोब देखा है और आपने उसको स्पष्ट किया है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। छोड़ दीजिए, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छे जी, ऐसे रीठा खाल, हाथ नीचे कर लो बच्चों। चलिए, आप कह रहे हैं कि ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या हो गया? छोटा ही आपका वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है वास्तविक प्रतिरूप आपका? ध्यान देना है, क्या है आपका वास्तविक प्रतिरूप? ग्लोब है। चलिए, अब कह रहे हैं कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। अब इस तरह छोड़ दीजिए सारी कहानी को। एक तो हो गया, बहुत छोटे ग्लोब आते हैं इस तरह के, इतने साइज के, आप उनको जेब में कैरी कर सकते हो अपनी पॉकेट में, और कुछ होते हैं बहुत बड़े जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान आप नहीं ले जा सकते। क्लियर है? चलिए, और कह रहे हैं इस तरह से घूमते हैं कि जिस तरह से कुम्हार का क्या घूमता है, चाक घूमता है, या उसका पहिया या आपका लट्टू घूमता है, उसी तरह से ये ग्लोब भी घूमते हैं। और आप देखेंगे ग्लोब पर आपके आकृति बनी होती है, उसी आकृति में आपको देश, सागर, महासागर, ये सब दिखाई देंगे आपको। क्लियर है? अगर आप इसको आसानी से देखोगे तो। कह रहे पृथ्वी के समान किसी भी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कह रहे ग्लोब पर अगर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उसकी स्थिति का अगर आप लोग वर्णन करोगे तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होगा। क्या होगा? थोड़ा सा कठिन होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। ठीक, आप देखेंगे कि एक
सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। यह ग्लोब के वे दो बिंदु होकर गुजर जाती है दो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब की सुई को चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। ये देखिए, ये रहा आपका ग्लोब, ठीक। अगर हम बात करें इसके घुमाने की कि ये किस दिशा में घूमता है, तो ये उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में अर्थ क्या है अपना चक्कर लगाती है, उसी दिशा में हम इसको घुमा सकते हैं। तो पृथ्वी कैसे घूमती है आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरह से पृथ्वी क्या करती है, अपना अपने अक्ष पर घूमती है, इस पॉइंट पर घूमती है। यह है अक्ष। वास्तविक रूप में तो ग्लोब का स्टैंड है, लेकिन ये है अक्ष पॉइंट, ठीक। ये क्या है? अक्ष। तो पृथ्वी अगर कैसे घूमेगी? इस तरह से घूमेगी, इस तरह से। मान लीजिए मेरा हाथ अगर आपका ग्लोब हो, तो इस तरह से घूमेगी, इस तरह से राउंड लगाएगी। क्लियर है? किसके ओर? ये सूर्य के चारों ओर, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर प्रश्न बन जाए कि पृथ्वी की गति करने की दिशा क्या है, कि आपका पृथ्वी की गति करने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये देखिए, स्पष्ट बिल्कुल जानकारी आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? लिख लीजिए। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जानकारी स्पष्ट रहेगी? कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, इतना हमने देख लिया। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर वास्तविक ऐसी कोई सुई नहीं है, कह रहे हैं कि जो हम लोग मान रहे थे कुछ है नहीं। पृथ्वी को चारों ओर घुमाने के लिए काल्पनिक रेखा है, और जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, देखिए अभी मैंने इस तरह से एक आपको ग्लोब बनवाया था, ठीक। ऊपर तो बनेगा नहीं, दो पार्ट हो रहे हैं। चलिए दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरह से ये बना था, हमने इसको जीरो कहा था। इस जीरो रेखा का एक नाम है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्लियर है? क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब जो बच्चे लिख रहे हैं, जब ये चैप्टर का लास्ट होगा, उन्हें इतनी सारी चीजें आ जाएंगी इसी ग्लोब में, जो शायद उन्होंने आपको ना पढ़ी हो ना आपका रिवीजन करा। और देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है वास्तविक रूप में ग्लोब में। कैसे दिखता है? इस तरह से। हम तो अपनी आसानी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं और यू लाइन खींचते रहते हैं। जबकि वास्तविक रूप में कैसे बनती हैं? हल्की सी इस तरह से झुकी हुई, टिल्ट रूप में। क्लियर है? चलिए, देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो विषुवत वृत्त आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये भी गोलार्ध थोड़ा सा आपका समझ लीजिए किसको कहते हैं। ये बताया था मैं, याद है आपको? ध्यान दीजिए, इसका जो ये पार्ट है, ये मैंने क्या बताया था आपको, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या बताया था, दक्षिणी ध्रुव है। इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरी 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 गोलार्ध,
और ये वाला जो होगा पूरा ये आपका नीचे का यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर का जो होगा उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग होगा हम उसको कहेंगे आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया इतनी जानकारी? आज आप पढ़ लीजिए, कल को मैं एक बार सब रिवीजन कराऊंगा आपको, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुव कौन से पॉइंट हो गए? ये वाले पॉइंट, ये हो गए ध्रुव, और ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं गोलार्ध। तो जिस दिशा में है उस दिशा का नाम ले लिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो ही गोलार्ध होते हैं, बस ये ध्यान रखिए। क्लियर है? अब कह रहे ये दोनों बराबर आधे भाग के होते हैं, इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। और ध्यान देखिए, जो ये काल्पनिक रेखा हम लोग बता रहे हैं ये क्या काम करती है? किसी स्थान की स्थिति बताने में सबसे ज्यादा जो जानकारी है महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्राप्त कराती है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक सभी समांतर व्रतों या अक्षांशों के काल्पनिक रेखा कहा जाता है। कह रहे जितने भी विषुवतीय व्रत हैं ध्रुवों तक आपके सभी समांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक। और आपको मैं बता चुका हूं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहां तक आप लोग पढ़ चुके हो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। जीआईसी रीठाकाल, जीआईसी सेंसु, जीआईसी सालदे, जीआईसी बड़कोट, किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहां तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब आप कोशिश करिए, सबसे पहले हो सकता हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये वाला एक बार छोटा सा ये चित्र है आप इसको बना लीजिए, और इसमें क्या नहीं लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो आपको ये क्षेत्र नहीं लिखने हैं फिलहाल, ठीक है, और ये नहीं लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं, और ये भी नहीं लिखने हैं, और ये भी, ये जिस तरह की लाइनिंग वाइनिंग खींची हुई है ना ये बाकी सब खींच लीजिए और कोशिश करिए कि आप इसे बना लें। चलिए आप बनाइए इसको, जल्दी जल्दी बनाइए बेटा जी, जैसे रीटा काल के बच्चों आप इसे बनाइए। अगर आप इस चित्र को बना लेते हैं मैं आपको बहुत सारी चीजें इसी में क्लियर कर दूंगा आपको। बनाइए इसको, लिखना कुछ नहीं है, जितना बचा हुआ खाली इतना लिखना है। देखिए विषुवत रेखा तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, क्लियर है, ध्रुवों को भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। जीरो से नीचे का जो भी पार्ट है पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र है हम इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, जानते हैं ये बात आप अच्छी तरह से, क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हुआ आपका? दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर है ना? चलिए याद रहेगा, लिख लो। तो कल हम आपका इन सभी को पढ़ेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, बना लीजिए आराम से बना लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, फिर इन्हें ग्लोब पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इनका यही निर्धारण क्यों है, क्लियर है? ये सारी चीजें मैं कल आपको समझाऊंगा, और यकीन मान लिए अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया, तो आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गर्मी कब होती है, सर्दी कब होती है, क्लियर है, शरद कब होता है, वसंत कब होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये फिलहाल मौसम कौन से ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, या फिर आपका शरद में, बताइए। और आज डेट भी बहुत अच्छी है 21, और आपको पता होना चाहिए कि 21 पर क्या होता है, इस तिथि पर क्या होता है, सूर्य यहां पर होगा आज, कहां पर?
मकर रेखा पर, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन आपकी चलती रहेगी, फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बेटे आपका, कर लिया आपने, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कल हम इसको अपने नोट बोर्ड पर बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम थ्योरी पर ना जाकर इस पूरे चैप्टर के कॉन्क्लूजन पर जाएंगे, क्लियर है। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, अगर आप यहां से पढ़ लेंगे कभी भी जीवन में आप मार नहीं खाएंगे चैप्टर में, ये मेरी गारंटी है आपको, क्लियर है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।